गाइज इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के 7 न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। और ये जो अपडेट है ना, ये अभी सभी को मिल भी चुका है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला तो वो आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये जो 7 न्यू अपडेट है वो क्या है पूरी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो अपडेट है वो आपको कैसे यूज करना है। तो अगर आपको भी जाना है तो ये वीडियो स्किप किए बिना तक देखते रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 7 न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और उसका यूज भी मैं आपको दूंगा। और सबसे जो पहला अपडेट है वो ये है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कम्युनिटी फीचर्स आ गया है। तो ये जो फीचर्स है ये क्या है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कम्युनिटी फीचर्स ये ऐसा एक फीचर्स है जहाँ से आप कोई भी बहुत सारा अगर आपका ग्रुप है, यानी कि कोई भी स्कूल का ग्रुप हो, वो सभी आप एक ही ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट करके, कम्युनिटी ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पर सभी जितने भी ग्रुप है वो आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि कम्युनिटी फीचर्स एक ग्रुप्स ऑफ ग्रुप है। तो ये सबसे पहला फीचर्स था। और जो दूसरा फीचर्स है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो आया है स्टेटस से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले तो स्टेटस में। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कुछ इस तरह से पेंसिल का आइकन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक लिंक पेस्ट कर देता हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहां पर कुछ इस तरह से क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो लिंक है यहां पर पोस्ट हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, हम कुछ इस तरह से पोस्ट तो कर सकते थे, लेकिन जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते थे तो और यहाँ पर ओपन करने का कोशिश करते थे तो ये ओपन नहीं होता था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी डायरेक्ट कुछ इस तरह से ओपन हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संदीप महेश्वरी सर जी का वीडियो था। तो कुछ इस तरह से आप कोई भी वीडियो का लिंक या तो वेबसाइट का लिंक आप कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल सकते हैं, और जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये फीचर, आपको कैसा लगा कमेंट पर बता दीजिएगा। और जो नेक्स्ट फीचर्स है वो भी स्टेटस से रिलेटेड ही है, तो मैं यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक स्टेटस रखने का कोशिश करता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटस के जो ऑप्शन है ये न्यू ऑप्शन यहाँ पर एड हो चुका है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाता है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जिसको भी फोटो दिखाना चाहते हैं या तो किसी के सामने ये जो फोटो है आप जो भी रखेंगे वो हाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो फीचर्स है ना ये पहले से ही था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है ना ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, ये आपको सेटिंग पर जाकर ही करना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी यहीं से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और जो उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे बैक करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो सेंड करने का कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर व्यू वंस का एक ऑप्शन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था व्यू वंस के ऊपर। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके सेंड करोगे ना, और ये जो फोटो है ये सामने वाला बंदा सिर्फ एक बार ही देख सकेंगे और वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा या तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो फोटो है ये सेफ रहेगा। आप जिसको भी एक बार दिखाना चाहते थे तो आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके सेंड कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर न्यू क्या हुआ कि पहले यहाँ पर सिर्फ आप फोटो सेंड करते थे व्यू वंस पर, अभी क्या हुआ कि यहाँ पर न्यू अपडेट आ गया है और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो भी व्यू वंस पर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी व्यू वंस का ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले नहीं था। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। और जो दूसरा अपडेट है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप में किसी के साथ बात करते हैं या तो चैटिंग करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में ऑनलाइन दिखाता है, यानी कि अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करके रखा हुआ है फिर भी यहाँ पर ऑनलाइन दिखाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, जो आपका ऑनलाइन स्टेटस है अगर आपने हाइड करके रखा हुआ है और आपने किसी के साथ चैटिंग किया फिर भी आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो हाइड ही दिखाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिंपली बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जाना है सेटिंग पर। और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली चार्ट पर क्लिक कर देना है, और सॉरी यहाँ चार्ट पर नहीं है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट सीन एंड ऑनलाइन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा लास्ट सीन है यहाँ पर नोबडी दिखा रहा है, हु कैन सी माई लास्ट सीन। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, यानी कि जब भी मैं ऑनलाइन होता हूँ तो किस किस को ऑनलाइन दिखेगा। तो उसको सेट करने के लिए, यानी कि आपका जो ऑनलाइन स्टेटस जो है उसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेम एस लास्ट सीन
तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो लास्ट अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो है ग्रुप से लेकर, यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पोल क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे कि आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और उसका जो आंसर है येस नो, तो इस तरह से कुछ आप मतलब ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पोल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप जो भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू यू लव मी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं येस लिख देता हूँ और उसके बाद नो लिख देता हूँ। और अगर आपको और भी यहाँ पर ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंड हो गया है, और इसका जो आंसर है ना ये आप नो या तो येस कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से किसी को भी भेज सकते हैं। आप इसको ऑप्शनल जो क्वेश्चन होता है ना वहाँ पर आप इसको आसानी से मतलब अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये सभी फीचर्स नहीं मिला तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर ओपन करना है, और जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप टाइप करके आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले तो अपडेट कर लीजिए, और उसके बाद आपको सभी फीचर्स मिल जाएगा। तो ये था 7 अपडेट जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और आपको ये 7 अपडेट में कौन सा अपडेट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए नए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।